हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गुंजन्स डायरी। आज मैं बताऊंगी ग्रीन और रेड ऐसी चटनी की रेसिपी जो ऑल पर्पस है और जिसको आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। चाहे ब्रेड सैंडविच हो, आलू का पराठा हो, स्टफ्ड पराठा हो, या किसी भी तरीके का रोल हो, जैसे एग रोल है या आपका पनीर रोल है, तो आप हर तरीके से इस चटनी का यूज़ करें। बहुत ही टेस्टी आपको लगेगा, आपके खाने में एक नया टेस्ट देगी ये चटनी। और इसको बनाना भी बहुत आसान है और कम समय और कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये चटनी बनकर के तैयार होती हैं। मेरे वीडियोस को आगे भी देखने के लिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में वीडियो के नीचे आने वाले बेल बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक शिमला मिर्च ली है और शिमला मिर्च को इस तरीके से फोक में फंसा करके देखिए गैस पर इसको रोस्ट करेंगे। तो रोस्ट करते समय गैस की फ्लेम को मीडियम या लो रख करके इस तरीके से करें। और ये देखिए शिमला मिर्च अच्छे से रोस्ट हो गई है, इसको ज़्यादा समय नहीं लगा और अच्छे से खुशबू भी आ रही है सूंधी सूंधी। साथ में मैंने यहाँ पे दो हरे मिर्चे भी रख दी हैं। अब मैं टमाटर को रोस्ट करूँगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा कि टमाटर को मैं किस तरीके से रोस्ट करती हूँ। यहाँ पर मैंने बिल्कुल टाइट टमाटर लिए हुए हैं और नाइफ से मैंने इसमें दो जगह होल कर दिया है और जिसमें मैंने यहाँ पर गार्लिक इसके अंदर रख दिया है। तो जिस जगह पे टमाटर में यहाँ पे गड्ढा होता है उसी जगह से फोक को लगा करके इसको भी रोस्ट करेंगे। अभी वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि किस तरीके से मैंने शिमला मिर्च को अभी चटनी में इस्तेमाल किया है, किस तरीके से मैंने चटनी बनाई है शिमला मिर्च की। और अब यहाँ पर टमाटर में दूसरे में भी गार्लिक को लगा देंगे, जब तक दूसरा टमाटर रोस्ट हो रहा है इसको भी प्रिपेयर कर लेंगे। आपने अभी तक टमाटर की रोस्ट करके चटनी बनाई होगी और अगर आपने अभी तक इस तरीके से लहसुन डाल करके नहीं बनाई है, तो जिसने भी नहीं बनाई तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और शिमला मिर्च की चटनी अभी तक जिसने भी इस तरीके की नहीं बनाई है तो आप लोग मुझसे शेयर करिएगा कि अगर आपके लिए नई चटनी है तो। तो देखिए टमाटर को मैंने पील कर लिया है और शिमला मिर्च को भी सबसे पहले ऊपर की डंडी को हटा लेंगे और फिर इसको भी पील करेंगे। मैंने अपने YouTube चैनल पे एक शिमला मिर्च की एक रेसिपी डाली हुई है, सैलेड की रेसिपी, तो उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से देख लीजिएगा, बहुत अच्छा सैलेड है वो भी। तो इस तरीके से पील करने के बाद मैंने सारे इसके बीजे भी निकाल दिए हैं और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके इसको मिक्सिंग जार में डाल लेंगे। इसकी बहुत सौंधी बहुत टेस्टी चटनी बनती है। जैसे बच्चे बहुत से हैं कि शिमला मिर्च डायरेक्ट नहीं खाना चाहते हैं, तो आप इसकी चटनी बना करके भी अगर आप किसी भी चीज़ में लगाएंगी, सैंडविच में या किसी भी स्टफ पराठे में, तो उसका फ्लेवर तो पूरा आएगा और बड़े बच्चों को अलग से निकालने का मौका नहीं मिलेगा कि बच्चे इसको बीच से निकाल के अलग कर दे, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस तरह से चटनी का। हरी मिर्चें भी इसमें काट के डाल दिए हैं और नमक डाल देंगे थोड़ा सा और बहुत थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, बस एक दो चम्मच के करीब इसके पिसने भर का, बस इसको पीस लेंगे। और ये देखिए इसी तरीके से मैंने टमाटर की चटनी भी पीस ली है। टमाटर में मैंने केवल नमक डाला है, पानी का यूज़ नहीं किया है, बस केवल टमाटर गार्लिक लगे हुए और नमक डाल के पीस लिया है, तो बहुत ही टेस्टी चटनी बन करके तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरीके से चटनी बनाने का तरीका पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बेल बटन के साथ। मिलते हैं एक और नए अच्छे से वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय। और कॉमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा कि आपको